हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में। एंड फाइनली सो मेनी ट्रेनीज आर हियर, 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 ट्रेनीज आर हियर एंड दे आर गोइंग टू प्रैक्टिस विद मी एंड दे आर गोइंग टू डू कॉन्वर्सेशन विद मी। सो आर यू रेडी गाइज? यस नो? यस ओके। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे दो टॉपिक पे। जो पहला टॉपिक का नाम है वो है व्हेन इट कम्स टू, क्या नाम है? व्हेन इट कम्स टू। और जो सेकंड टॉपिक का नाम है वो है फैमिलियर विद, क्या नाम है? फैमिलियर विद। ओके, आर यू रेडी? यस सर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू ऑल, जब बात आती है अंग्रेजी बोलने की तुम भाग जाते हो। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश यू रन अवे। जब बात आती है अंग्रेजी बोलने की तुम डांस करते हो। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश यू डांस। ऑलराइट, जब बात आती है अंग्रेजी बोलने की तुम प्रैक्टिस करते हो। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश यू प्रैक्टिस। जब बात आती है अंग्रेजी इंप्रूव करने की तुम बैठते हो। क्या जगह? व्हेन इट कम्स टू इंप्रूविंग इंग्लिश यू सिट। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू शुभम, जब बात आती है डांस करने की तुम प्रैक्टिस करते हो। व्हेन इट्स कम टू डांसिंग यू प्रैक्टिस। ओके, जब बात आती है अंग्रेजी बोलने की तुम भाग जाते हो। व्हेन इट्स कम टू स्पीकिंग इंग्लिश यू रन अवे। ओके, जब बात आती है वीडियो बनाने की तुम शर्माते हो। व्हेन इट्स कम टू मेकिंग वीडियो यस यू फील शाय। क्या लगे? यू फील शाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू देवेंद्र, मैं आपसे परिचित हूं। I am family with you. Family with you. Okay, मेरा माइक, give me the mic. Okay, take this mic, Devan. मैं आपसे परिचित हूँ। I am family with you. Okay, मैं आपकी फैमिली से परिचित हूँ। I am family with you. My family. No. मैं आपकी फैमिली से परिचित हूँ। I am family with your family. Okay. Question goes to Ganpit. Take this mic and the question goes to you. जब बात आती है डांस करने की तुम मुस्कुराते हो। When it's come to dance, you smile. He is right or wrong? He is wrong. क्या होगा? When it comes to dancing, you smile. Okay, so don't forget the verb forms. Okay, the next question goes to Arman. जब बात आती है प्रैक्टिस करने की तुम फराटेदार अंग्रेजी बोलते हो। When it comes to dancing, No. जब बात आती है बोलने की तुम फराटेदार अंग्रेजी बोलते हो। When it comes to speaking, yes, you speak fluently. Yes, you speak fluently. जब बात आती है केयर करने की तुम शेयर करते हो। When it comes to caring, yes, you share. Okay, सारे व्यूअर्स से सारे व्यूअर्स के सामने आपको एक और सेंटेंस में बोल रहा हूँ। जब बात आती है अंग्रेजी बोलने की तुम पोडियम पर फराटेदार अंग्रेजी बोलते हो। When it comes to speaking English, on the podium, yes, you speak fluently. Alright. जब बात आती है वीडियो बनाने की तुम शेयर करते हो सारा फाइल्स। When it comes to making video, you can you share all the file. Okay, next question goes to you all. मैं आपसे परिचित हूँ, क्या जगह? I am familiar with you. Alright. मैं सारे व्यूअर्स से परिचित हूँ, क्या जगह? I am familiar with all the viewers. मैं आपके वीडियो से परिचित हूँ, क्या जगह? I am familiar with your video. Right. मेरा लाइफ क्या जगह? My life. आपका लाइफ? Your life. उसका लाइफ? His life. लड़की रहेगी तो हर लाइफ, और हमारा लाइफ? Our life. और उनका लाइफ? Their life. So viewers, आप जितने भी ट्रेनी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे ट्रेनी कहीं ना कहीं उन सारे सेंटेंस को बहुत ही ज्यादा अच्छी वे में पहले उस फॉर्मेट को जो भी स्ट्रक्चर है उसको समझे, एंड राइट नाउ दे आर एबल टू मेक दोस ऑल द सेंटेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बात आती है वीडियो बनाने की तुम बाहर जाते हो, क्या जगह? व्हेन इट कम्स टू मेकिंग वीडियो यू गो आउटसाइड। ऑलराइट, जब बात आती है अंग्रेजी बोलने की तुम बैठ जाते हो, क्या जगह? व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश यू सिट। यस, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश यू सिट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू गिव द माइक, द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू सत्यम। सत्यम, कैन यू प्लीज टेल मी, जब बात आती है प्रैक्टिस करने की तुम मुस्कुराते हो। व्हेन इट कम्स प्रैक्टिसिंग, यस, यू स्माइल। जब बात आती है मिठाई शेयर करने की तुम मिठाई शेयर नहीं करते हो। When it comes to sharing sweet, yes, you don't share. Okay, you don't share sweets. Okay, the next person goes to Subham. जब बात आती है practice करने की class में, तुम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हो। When it comes to speaking frequently, no, frequently नहीं, fluently. Fluently, you speak. Okay, one second, मैं एक दूसरा sentence आपको दे रहा हूँ। जब बात आती है अंग्रेजी बोलने की class में, तुम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हो। When it's come to speaking English in the class, yes, you speak English fluently. Pass the mic.
अरमान, मैं आपसे परिचित हूँ. आई एम फैमिलियर विथ यू. मैं आपके फैमिली से परिचित हूँ. आई एम फैमिली. आई एम फैमिलियर विथ योर फैमिली. ओके, मैं आपके कॉलेज से फैमिलियर हूँ. आई एम फैमिलियर विथ योर कॉलेज. पास द माइक, पास द माइक. अविनाश, मैं आपके गांव से परिचित हूँ. आई एम फैमिलियर विथ योर विलेज. मैं आपके फैमिली से परिचित हूँ. आई एम फैमिलियर योर फैमिली. आई एम फैमिलियर विद योर फैमिली. मैं आपके पिताजी से परिचित हूँ. आई एम फैमिलियर विथ योर फादर. ऑलराइट, मैं आपके पेरेंट्स से परिचित हूँ. आई एम फैमिलियर विथ योर पेरेंट्स. ओके, पास द माइक एंड घनप्रीत, इट इज योर टर्न एंड माई सेंटेंस गोज टू यू. जब बात आती है डांस करने की, तुम जुलूस में डांस करते हो. When it come to dancing, you dance in the जुलूस. जुलूस का अंग्रेजी क्या जाएगा? Procession. क्या बोलेंगे? Procession. एक बार और सेंटेंस को बोलिए. एक बार और सेंटेंस बोलिए. When it come to dancing, yes, you dance in procession. Yes, you dance in the procession. Okay, everybody please speak. मैं आपसे परिचित हूँ क्या जाएगा? I am familiar with you. मैं आपके फैमिली से परिचित हूँ. I am familiar with your family. तो दो टॉपिक था. पहला टॉपिक क्या है? When it comes to, और दूसरा टॉपिक क्या है? फैमिली. तो व्यूअर्स, आपने देखा है बहुत सारे सेंटेंस कैसे ये सारे ट्रेनी प्रैक्टिस करें. कहीं ना कहीं जब आप किसी टॉपिक को सीखते हो तो पहले उन सारे टॉपिक्स को प्रॉपरली, उनके स्ट्रक्चर को जानिए. एंड व्हेन यू नो द स्ट्रक्चर, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक ऑल द सेंटेंस. बिकॉज दीज ऑल गाइज आर वर्किंग हार्ड. दीज ऑल गाइज आर वर्किंग हार्ड टू लर्न इंग्लिश, टू इम्प्रूव इंग्लिश, टू एनहांस इंग्लिश. सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी. ट्राई टू स्पीक, वेन यू ट्राई टू स्पीक डेली लाइफ सेंटेंस, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू यूज दिस दीज पर्टिकुलर टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक इज वेन इट कम्स टू स्पीकिंग एंड वेन इट कम्स टू, एंड द सेकेंड टॉपिक इज फैमिलियर विद. इन दोनों टॉपिक को प्रॉपरली अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज करिए एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ऑन एंड कॉन्फिडेंटली. जितने भी ट्रेनी है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा ऑफलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस करते हैं एंड राइट नाउ दे आर एबल टू मेक ऑल दिस सेंटेंस. आप भी अपने घर पर प्रैक्टिस करिए. आप हो सके कई बार आपको अपने डे टू डे लाइफ में नेगेटिविटी फील होता है कि यार मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा. देर इज ओनली वन वे टू स्पीक इंग्लिश एंड दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑल द टाइम. तो बहुत सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस करिए. जिस तरीके से सारे ट्रेनी मेरे साथ प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे सेंटेंस को जाने एंड राइट नाउ दे आर एबल टू मेक ऑल द सेंटेंस. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन एंड आई ऑलवेज से इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली डू ओनली वन थिंग एंड दैट इज स्टॉप विशिंग, स्टार्ट स्पीकिंग. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी.